हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अथिकल शर्मा जी। सो आज के इस वीडियो में हम हैक करेंगे एक वर्चुअल मशीन को जिसका नाम है DC3। तो ये रोड टू OSCP प्लेलिस्ट का पार्ट है। काफ़ी दिन बाद मैं ये प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना रहा हूँ और आई होप आपको मज़ा आएगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा ये वीडियो। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको। तो मैंने ऑन कर लिया है वर्चुअल मशीन को और रैकल बॉक्स में ये देखो, तो देखो ये रन हो रही है DC3। ठीक है, परफेक्ट है। और मैं कर लेता हूँ टर्मिनल को ओपन। तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं नेट डिस्कवर। ओके, कंट्रोल सी। हमें मिल गई है IP विच इज़ 192.168.0.111। मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको nmap एक स्कैन रन करते हैं। इसको रन होने देते हैं nmap के स्कैन को, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो ये स्कैन कंप्लीट हो गया है और इसने पोर्ट दिखाया है खाली एक ही ओपन, ओके, विच इज़ 80 ओपन। तो इसको ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं हम। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं फायरफॉक्स। इसमें हम जाते हैं http://192.168.0.111। http क्यों, क्योंकि 80 पोर्ट ओपन है, राइट। https के लिए 443 होता है। ओके, तो ये पेज है DC3 रिटन बाय एडमिन। यहाँ पे एक लॉगिन पेज दिया हुआ है, देखो यूज़र नेम और पासवर्ड का एक लॉगिन पेज है। दिस टाइम देर इज़ ओनली वन फ्लैग, वन एंट्री पॉइंट एंड नो क्लूज। टू गेट द फ्लैग यूल ऑब्वियसली हैव टू गेन रूट प्रिविलेजेस। ओके, हाउ यू गेट टू बी रूट इज़ अप टू यू एंड ऑब्वियसली द सिस्टम। ठीक है, तो यू आर हेयर होम। ठीक है, तो हमें इसका यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। एक काम करते हैं, हम इसका सोर्स देखते हैं, व्यू पेज सोर्स। क्या हमें कुछ इसमें, ये जुमला दिखा रहा है, देखो Joomla-script-options। दैट मीन्स ये पेज जो CMS यूज़ कर रहा है वो जुमला यूज़ कर रहा है। अगर आपको नहीं पता तो WordPress होता है, जुमला होता है, ये आपके CMS होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जुमला यूज़ कर रहा है। ये मुझे कैसे पता चला, देखो यहाँ पे लिखा था Joomla-script, तो यानी कि जुमला हो सकता है ये यूज़ कर रहा हो। तो एक टूल होता है जूम स्कैन, आई बिलीव, मैं देखता हूँ इसमें शायद काली में होता है। मैं एक दूसरी टर्मिनल की विंडो खोलता हूँ, जूम स्कैन 192.168.0.111। मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ इसका फॉर्मेट, जूम स्कैन नहीं है। एप्ट इंस्टॉल जूम स्कैन, अच्छा ठीक है, तो इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। इससे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इससे क्या करूँगा कि जो जुमला अगर यूज़ हो रहा होगा तो वो उसका वर्जन मुझे ढूंढना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जूम स्कैन नो टारगेट स्पेसिफाइड, दैट मीन्स इसका कुछ अलग से फॉर्मेट होगा। तो एक काम करते हैं, इसका हेल्प पेज खोल लेते हैं। ठीक है, तो जूम स्कैन -URL ऐसे यूज़ करेंगे इसको, जूम स्कैन -URL, क्योंकि URL है तो प्रोटोकॉल भी यूज़ होगा, 192.168.0.111। ओके, तो जुमला का वर्जन देखो डिटेक्ट कर लिया इसने, 3.7.0। ओके, एडमिन पेज भी है इसका, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, जुमला कोर इज़ नॉट वल्नरेबल, 3.7.0। एक तो इस पेज को ओपन करके देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी, मोज़िला, कंट्रोल वी, एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा ठीक है, तो ये जुमला का पेज है। तो अगर यहाँ से मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाए तो फिर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड ढूँढना है कहीं से भी। ओके, तो एक काम करते हैं, एक और टर्मिनल विंडो खोलते हैं। सर्च स्प्लॉइट एक यूटिलिटी होती है, ठीक है, सर्च स्प्लॉइट, और मुझे ढूंढना है जुमला 3.7.0। क्या इसका कोई वल्नरेबिलिटी है, हाँ है, ये देखो दिखा रहा है कॉम फील्ड SQL इंजेक्शन। ओके, SQL इंजेक्शन इस पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से इतना कुछ खास नहीं हो पाता, SQL इंजेक्शन को हम देखेंगे। तो उसके लिए कमांड होती है सर्च स्प्लॉइट -m 42033।
ठीक है, तो ये कॉपी हो गया, देखो ls, ठीक है, इसको मूव कर देते हैं हम 4 2, इसको मूव कर देते हैं किस में, हमने डायरेक्टरी बनाई है dc3 42033.txt, cd dc3 ls, ठीक है। तो एक बार इसको कैट करके देखते हैं कि है क्या इसमें, ठीक है। तो ये कह रहा है SQL map से भी आप कर सकते हो, URL vulnerable अगर होगी तो ये इसका कुछ शो कर देगा, ठीक है, ओके। SQL map से दिखा रहा है ये tps-list full ordering, तो SQL map को एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो Ctrl Shift T, एक और टर्मिनल विंडो खोलेंगे हम, और Ctrl Shift V, यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह कंट्रोल ए, लोकल होस्ट की जगह मैं अपना आईपी एड्रेस डाल दूंगा जो यहाँ पे था 192.168.0.111 y, इसको रन होने देते हैं। ये मैंने y इसलिए करा था क्योंकि मुझे दूसरे जो डेटाबेसेस था उनको चेक नहीं करना था, इसने पता कर लिया कि माई SQL है। तो अब ये SQL map है, ये ऑटोमेटेड एक्सप्लॉयटेशन टूल है, ये OSCP में अलाउड नहीं है, बट क्योंकि अभी हम OSCP एग्ज़ाम नहीं दे रहे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो इसने डेटाबेसेस ढूंढ लिए हैं, इसने रिट्रीव कर लिए हैं, दैट मीन्स ये वनरेबिलिटी है, मतलब ये वनरेबल है SQL इंजेक्शन से। तो देखो हमें ये 5 डेटाबेसेस मिल गए हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा, जूमला DB, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस। तो जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा जूमला DB, बिकॉज हमें इसके क्रेडेंशियल ढूंढ रहे हैं जूमला के, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही कमांड रन करेंगे, लेकिन उसमें हम -dbs की जगह हम -d देंगे और देंगे जूमला DB -tables, टेबल्स निकालेंगे, फुल ऑर्डरिंग ये हटा देंगे हम इसको, और -batch मंडी आएगा, तो अब ये टेबल्स रिट्रीव करेगा। ओह बहुत सारी टेबल्स हैं इसमें, तो बहुत सारी टेबल्स हैं, तो इसने देखो सारी टेबल्स यूज़ कर दिए हैं, हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो हमें चाहिए यूज़र्स, तो हमें टेबल्स मिल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, -d की जगह -t, टेबल का नाम है, मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, टेबल का नाम ले ले, -batch कर देते हैं हम, कॉलम कौन सा लेंगे, name, password, ताकि ये नेम और पासवर्ड बता दे, ये देखो एडमिन यूज़र है और पासवर्ड है इसका ये, तो पासवर्ड हैश है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, एक फाइल बनाते हैं nano hash, इसमें हम करते हैं पेस्ट, Ctrl O Ctrl X, और जॉन से इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं, स्नूपी, इसने बड़ी जल्दी क्रैक कर दिया। तो इसका हमें पासवर्ड मिल गया है स्नूपी, और यूज़र नेम है एडमिन, तो इसको लॉगिन करके देखते हैं, admin snoopy, डोंट सेव, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे CMS होते हैं ना, ये टेम्पलेट्स देते हैं ज़्यादातर, तो टेम्पलेट्स एक बार ही देख लेते हैं, यस। तो इसकी जो टेम्पलेट है वो है bees3, ये स्टाइल्स है, टेम्पलेट्स में जाते हैं एक बार ही, टेम्पलेट्स कोई ऐसी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, एक बारी bees3 में देख लेते हैं। तो इसमें देखो टेम्पलेट्स के पेजेस दिए हुए हैं, index.php में हम एक बारी देखते हैं, यस। यहाँ पे हम करेंगे locate php shell, ये रहा यूज़र शेयर वेब शेल्स में आएगा, ये रहा php, कॉपी, cd Ctrl Shift V, ls, मुझे चाहिए php reverse shell, ये रहा, इसको लीफ पैड पे खोलते हैं, php reverse -shell, इसको करते हैं Ctrl A, इसमें एक बार ही हम चेंज कर देंगे अपना IP एड्रेस,
192.168.0. क्या है चेक कर लेते हैं अपना आईपी एड्रेस 107 यानी कि 107 पोर्ट नंबर हम देते हैं, चलो 1234 ही रहने देते हैं। कंट्रोल एस कंट्रोल ए इसको करते हैं हम कॉपी, कंट्रोल क्यू क्योंकि लीफ पैड यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम करते हैं एडिट, बैकस्पेस कंट्रोल शिफ्ट वी नहीं कंट्रोल वी, ये हो गया कॉपी। इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं आईपी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है ठीक है, 1234 है। इसको हम कर देते हैं सेव एंड क्लोज, तो ये सेव हो गए, फाइल सक्सेसफुली सेव। अब हम क्या करते हैं, एक ऑन करते हैं इस पर नेट कैट हाइफन एन वी एल पी 1234 और ब्राउज़र पे इस टेम्पलेट को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। आ गया, राइट। तो देखो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि टेम्पलेट्स, कौन सी टेम्पलेट हमने चूज़ करी थी 23, कौन सा पेज हमने चेंज करा था index.php। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से रन करा और वहाँ पे हमने php रिवर्स शेल को अपलोड कर दिया है तो यहाँ पे हमें मिल गया हु एम आई। ओके, अभी हम हैं www-data। तो अब हमें करना पड़ेगा privesc विच इज़ प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक बार ही चेक करते हैं lsb-release-a, कौन सी रिलीज़ है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलीज़ क्या है। ओके, तो ये है Ubuntu 16.04, ठीक है। तो हम सर्च स्प्लॉइट करते, इस पर तो नहीं करते, हम दूसरे टर्मिनल विंडो पे करते हैं सर्च स्प्लॉइट Ubuntu 16.04। ओके, तो काफ़ी सारे आ गए हैं ये। Ubuntu 16.04 का ना एक बहुत ही पॉपुलर एक्सप्लॉइट है जिसको हम कहते हैं ये डबल FD पुट, ये प्रिविलेज एस्केलेशन मॉड्यूल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं हम, इसको जाते हैं हम cd dc3 सर्च स्प्लॉइट cat 39772 .txt। तो ये कह रहा है, इसने पूरा दिया हुआ है कि भाई ये एक फंक्शन है, ये इसने पूरा दिया हुआ सिंपल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, देर आर टू प्रॉब्लम्स विद दिस अप्रोच, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमें करना क्या है बेसिकली, अच्छा हमें करना है कि एक एक्सप्लॉइट है, वो exploit.tar फाइल है, ठीक है। हमें करना है कि इस डायरेक्टरी में जाके कंपाइल करना है उसको सबसे पहले, फिर डबल पुट करना है, फिर उसके बाद हमें प्रिविलेज मतलब प्रिविलेज हमारी एस्केलेटेड हो चुकी होंगी, ठीक है। तो इतना कुछ खास है नहीं, भाई ट्राई करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस एक्सप्लॉइट को डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी ये जिप का देखो लिंक दिया हुआ है, इस पे डायरेक्ट डब्लू गेट चल जाएगा, अगर ये उबंटो है तो इस पे चल जाना चाहिए। डब्लू गेट इसमें है कंट्रोल शिफ्ट वी, नो परमिशन डिनाइड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ls। तो एक काम करते हैं cd temp में जाके देखते हैं, temp में हमेशा राइट परमिशन होती है, ठीक है pwd temp में हम डब्लू गेट कंट्रोल शिफ्ट वी, यस ls आ गया। इसको अनजिप करके देखते हैं 39772.zip cd39772 ls, ठीक है। तो इस फोल्डर में देखो आपकी बार आ चुका है exploit.tar, इसको हम करेंगे tar xvf exploit.tar। तो अब हमें जाना है, हम देख रहे थे इसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, हमें इस वाली डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। तो cd eb pf
मैप एफ डी एक्सप्लॉइट एल एस, ठीक है। अब हमें करना है कंपाइल इसको, रन कंपाइल करना है। वार्निंग्स आई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एल एस करते हैं एक बारी, हमें चलाना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चलाना है डबल पुट, डबल पुट, देखते हैं एक बारी क्या हम सही कर रहे हैं। ये देखो, इफ दिस वर्क यू विल हैव अ रूट शेल इन, ये देखो वू हू गॉट पॉइंटर रीयूज, आई थिंक हम सही कर रहे हैं। हाँ, ये भी लिख के आ रहा है, इफ दिस वर्क यू विल हैव अ रूट शेल इन, तो आई बिलीव ये चल जाना चाहिए। यस, तो हम बन चुके हैं रूट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो अगले वीडियो में हम करेंगे कुछ और, किसी और वर्चुअल मशीन को हैक। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, बाय बाय।